फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आवारा राइडर। तो कैसे हो आप सभी लोग, आई होप जहाँ पे हो गए मचा रहे हो गए। तो जी, पीछे का बैकग्राउंड वगैरह देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है कि हम कहाँ विजिट कर रहे हैं आज, तो नहीं पता चल रहा है। तो जी, हम बता रहे हैं आपको कि हम आ चुके हैं प्रदर्शनी में। जो पिछली वाली प्रदर्शनी हमने आपको दिखाई थी वो हरबंसपुर वाली जो बस स्टैंड है उसके जस्ट पीछे जो लगी थी, लेकिन ये वाला ये अटलस पोखरा के पास है। तो यहाँ पे हम आए, और यहाँ पे आने का जो वजह है वो ये है कि यहाँ पे जी लग चुका है मौत का कुआं, जो कि एक नई चीज़ ऐड हुई है। और हमने भी आज तक मौत का कुआं देखा नहीं। हमारे साथ ट्विस्टल और आलिया भी आए हुए हैं, तो ये कब से कह रहे थे कि मामा हमने कोई भी मौत का कुआं वगैरह स्टंट वगैरह नहीं देखा है। तो हमने कहा चलो घुमाते हैं, बच्चों को भी साथ में खुद भी घूमते हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं प्रदर्शनी के नज़ारे। तो जी, ये है प्रदर्शनी का मेन एंट्री गेट, और काफ़ी खूबसूरत जगह है यार। और ये देखिए भाई झूला, जो कि हर प्रदर्शनी मेले में ही होता है, और यहाँ से एग्जिट करना है। थोड़ा बाहर का नज़ारा आपको दिखा देते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं अंदर की ओर। ओके, चलिए टिकट लेते हैं। तो यहाँ पर जी आपको टिकट मिलेगा, और ट्विस्टल को हमने भेज दिया है टिकट के लिए। जस्ट टिकट कर देखिए, ये मेन एंट्री गेट है प्रदर्शनी का, उसके जस्ट बगल में ही है लेफ्ट हैंड साइड पर। तो टिकट लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको प्रदर्शनी में। अगर आप लोग बाइक वगैरह से आ रहे हो ना, तो यहाँ पर देखिए आपको बाइक वगैरह पार्क कर देनी है। तो जी फाइनली अपना टिकट मिल चुका है, एक टिकट का प्राइस है 30 रुपीज़। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। तो अभी यहाँ पे टिकट आपको चेक कराना पड़ेगा। हाँ, इसके बाद फिर चलते हैं अंदर। ओ माय गॉड, क्या प्रदर्शनी का नज़ारा है यार, बहुत ही खूबसूरत, मज़ा आ गया। अभी फर्स्ट झलक ही आपको हमने दिखाई है प्रदर्शनी की। और यहाँ पे देखिए पुलिस सहायता केंद्र भी है, और बाहर भी है, अगर और कोई दिक्कत होती है तो तुरंत के तुरंत आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हो। तो आने से पहले सबसे पहले हम चलते हैं मौत का कुआं देखने, वहाँ पे स्टंट देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे शो वगैरह होता होगा ना, तो उसकी टाइमिंग होती होगी। तो पहले वहाँ चल के पता कर लेते हैं, टिकट ले लेते हैं, उसके बाद फिर घूमते हैं। तो जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं मौत के कुएं के पास, और इस वीडियो से होके आपको आना है। और यहाँ पे मौत का कुआं स्टंट चल रहा है ऑलरेडी, अभी ये थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, इसे मैच से पहले होता है ना प्रैक्टिस सेशन। तो चलिए चलते हैं, अपना जगह लेते हैं, नहीं तो ये हो जाएगी कि तो अच्छी जगह नहीं मिल पाएगी, ना हम देख पाएंगे ना आप भी दिखा पाएंगे। तो जी, हमारे पहुंचते पहुंचे तक प्रैक्टिस सेशन तो एंड हो गया, बट आपको फाइनल मैच ज़रूर दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए दो कार हैं और बाइक्स हैं, तो बाइक शायद RS 100 है क्या यहाँ की। और आपको दिखाते हैं ये रहा जी मौत का कुआं, जहाँ पे अभी स्टंट होने वाला है। Thank you.
जस्ट बाइक का स्टंट खत्म हुआ और कार का शुरू होना था, बट एक्सीडेंट होते होते बच गया। तगड़ा है यार, बहुत ही तगड़ा स्टंट किया है। मैक्स 100 सीसी अब कार का शुरू होगा भाई, मजा आने वाला है। तो जी यार, क्या खतरनाक वाला स्टंट किया, चाहे बाइक वाले ने कार वाले ने। मतलब मुझे तो तरस आ रहा था, मतलब मुझे तो यार लग रहा था 40 रुपये में बहुत सस्ता टिकट है यार। इस टिकट प्राइस थोड़ा सा महंगा होना चाहिए, क्योंकि जान की जोखिम लगाकर यार ये लोग स्टंट करते हैं। लेकिन बहुत ही तगड़ा स्टंट था। कैसा लगा तुम लोगों को? अच्छा लगा। तुमको? तो ये तो डर गई थी। इसका ये हाल हुआ था कि जब कार वाला पूरा हाथ ऐसे उठाया ना, इसको मैंने इसे इधर खींचा, नहीं तो ये नीचे चली गई होती। मौत का कुआं देखने आया था और हो जाता काम तमाम, गिर जाती मैं नीचे। भाई साहब जान हलक में चली आई थी। आलिया ठीक है, चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं और भी मेले का नज़ारा। स्टंट वगैरह अभी हमने देख लिया और अब आए हैं झूलों के सेक्शन में, क्योंकि भाई प्रहसनी मेले में सबसे मेन चीज़ जो रहता है वो होता है झूले, कौन कौन से झूले आए हैं। तो अब बाकी सारे झूले तो हर प्रहसनी में मेले में देखते होंगे, लेकिन ये कुछ डिफरेंट टाइप का इस बार आया है, तो इसको हम ट्राई करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, टिकट लेते हैं और फिर चलते हैं।
तो जी हमने टिकट ले लिया है, अभी एक टिकट का प्राइस है 100 रुपीज़। हमने 3 टिकट ले लिया, अब चलते हैं एंजॉय करते हैं झूले का। अरे तो जी फाइनली हम स्टार्ट कर तो जी स्टार्ट हो चुकी है अपने झूला। भाई इतने ज़्यादा मच्छर वो मतलब फतंगे हैं ना, कीड़े मकोड़े पूरा मुंह में आ जा रहे हैं। वैसे अच्छा लग रहा है, पिस्टल तो एक बार इसका मजा ले चुकी है लेकिन मैंने नहीं लिया, आलिया ने नहीं लिया है, तो हमने सोचा कि इसका पिस्टल वो बड़ा वाला झूलना चाहती थी लेकिन भाई गिर जाती तो फिर हालत ख़राब हो जाता। वो बड़े वाले झूले से मेरा खुद फटती है तो फिर बच्चों को मैं रिकमेंड नहीं कर पाऊँगा। तो चलिए आप बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं। वाओ, एक बार इधर देखो, एक बार इधर देखो। तो फाइनली अभी काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से जो नज़ारा है ना वाकई काबिले तारीफ है, और पूरा ही मेला दिख रहा है, मतलब पूरा प्रसन्नी दिख रहा है। तो चलिए आपको बैक कैमरे दिखाते हैं। ओ भाई मेरे ये तो गोप्रो लेकर आना चाहिए था हमें लगता है, आई थिंक, क्योंकि इतना ज़्यादा ये तेज़ घूम रहा है ना, गोप्रो होता तो हिलता नहीं वीडियो आपका। ओ शिट, अरे हमें तो ससुर चक्कर आ रहा था। तो भाई देखिए, भाई सच बताओ तो यार मेरी तो, अरे एक उजाले मार देना, सच बताओ, अरे भाई इतने तेज चक्कर आ रहा है, मुझे क्या ही बताओ। मैं आज तक झूले पे नहीं बैठा, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। इवन ये जो गांव में वो पटरे वाले झूले होते हैं ना, जब क्या लग किस में झूले लगता है सावन के महीने में, उसमें भी मैं नहीं झूला हूँ। हालत खराब लगता है, क्या हो जाएगा। हमने तो नीचे चलने के बाद थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, चक्कर से आ रहे हैं यार। इन लोगों को तो मज़ा आ रहा है, ये देखिए इन लोगों को मज़ा आ रहा है बिल्कुल, लेकिन अपनी हवा टाइट है। अच्छा होता ना जगह ऐसे ज़्यादा देर हम ना झूल। तो जी अभी हम जस्ट झूला झूल के नीचे आए थे, तब तक एक भाई मिले, और इन भाई का भी यूट्यूब चैनल है, ये ब्लॉग बनाते हैं प्लस रैप गाते हैं, रैप सॉन्ग। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये रैप खुद ही लिखते भी हैं और म्यूजिक भी खुद ही क्रिएट करते हैं। तो भाई से जानते हैं इनके और चैनल के बारे में। तो जैसे हम लोग अभी मैं झूला झूल रहा था, तो मैं जैसे झूला झूल के आया तो ये मुझे भाई दिखे, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि वो व्लॉगर है। जब इनके हाथ में मैंने ट्राइपॉड और माइक देखा तो मैं समझ गया कि ये व्लॉगिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो व्लॉगर रहता वो व्लॉगर जो रहता वो समझ जाता उसके कर्तव्य के। तो मैंने इनको देख के समझ गया, फिर उसके बाद मैंने इनसे बात की तो फिर बताया चला कि ये मतलब बहुत अच्छे पे दिखा। फिर उसके बाद मैंने इनका YouTube सर्च करके एक वीडियो देखी तो बहुत अच्छी लगी मुझे। फिर मैंने सोचा कि भाई से कुछ बात करते हैं, तो बात करते हैं। भाई ने मुझे अपने व्लॉग में लिया, आपका भाई बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच। तो और मैं जैसे कि मेरा एक चैनल है KD Zen, वो मैं उस पर रैप करता हूँ, खुद सब कुछ खुद ही से बनाता हूँ। तो सब भाई को पहले सपोर्ट करिए, फिर उसके बाद मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि जब भाई की ग्रोथ होगी तो मेरी ग्रोथ होगी। नहीं नहीं, सबको बराबर सपोर्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इनका दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे बड़ी अच्छी बात यह लगी ना मुझे कि भाई रैप करते हैं, वो भी आजमगढ़ जैसे छोटे शहर से। आजकल आप देख ही रहे हो कि भाई रैप का जमाना है, रैप सॉन्ग का जमाना है, हर कोई रैप करना चाहता है, लेकिन आजमगढ़ अपने पूर्वांचल में कोई रैपर आपको नहीं मिलेगा। नहीं, अभी कोई नहीं है, कोई नहीं मिलेगा। तो भाई अगर कर रहा है तो इसको सपोर्ट करना बनता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए देखिए, एक बार चेकआउट जरूर करना आप इनका चैनल। ओके, तो चलिए आपको और मेरा दिखाते हैं। और हाँ ठीक, बाय। अभी ट्विस्टल बॉल थ्रोइंग कर रही है और दो बॉल हो चुका है, तीसरा बाकी है। भाई छुआ तक नहीं, छुआ तक नहीं, घोर बेइज्जती, इसीलिए मैं कह रहा था ऐसा काम मत करो। लेकिन घोर बेइज्जती हो गई, एक बॉल मतलब टच तक नहीं हुआ। चलो अब चलते हैं यहाँ से।
तो जी अभी 9:40 हो रहे हैं, फाइनली ऑलमोस्ट हमने मतलब घूम लिया है, जो कुछ बचा होगा होगा बता दीजिएगा। और बस अब एक चीज़ हमें दिखा बहुत इंटरेस्टिंग, स्मोक बिस्किट, तो इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या नया चीज़ है ना। तो स्मोक बिस्किट ट्राई करते हैं, खाने पीने हमने खा लिया है, अब इसको ट्राई करते हैं फिर घर निकलते हैं। तो सबसे पहले यार स्मोक बिस्किट पिस्टल ट्राई करने वाली है, देखते हैं क्या रिएक्शन मिलता है। भाई साहब ये आ गया बिस्किट और ये गया मुंह में। ओ भाई लग रहा है मुंह से क्या धुआं निकल रहा है। अरे यार अरे भाई साहब हालत खराब हो गई। अब मेरा चांस है, देखते हैं। देखने में तो यार बहुत डर लग रहा है, उसे छोटे बच्चे ने कर लिया तो फिर जी स्मोक बिस्किट हमने खा लिया, मतलब मज़ा आ गया। पहले थोड़ा सा देखने में डर जरूर लग रहा है लेकिन अच्छा लगेगा, आप एक आना यहाँ परसनी में तो एक बार ट्राई जरूर करना। और अभी टाइम हो रहे हैं 9:48, ऑलमोस्ट परसनी हमने घूम ली है, तो अब चलते हैं घर पे क्योंकि 10 बजने वाला है, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। तो जी बस आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर देना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एक चीज़ पूछना बाकी रह गया था, मैं आपको बताता हूँ भाई, ये पता है कि ये जो मौत का कुआं लगा है कब तक चलेगा? प्रदर्शनी? हाँ प्रदर्शनी की नहीं मालूम, लगभग 30 दिन और रहेगा, 30 दिन। अच्छा दीपावली के बाद तक रहेगा? हाँ दीपावली के बाद। तो अभी ये प्रदर्शनी दीपावली, तो अभी ये प्रदर्शनी छठ तक रहने वाली है। तो अगर आप आना चाहते हो, प्रदर्शनी का एंजॉय करना चाहते हो तो बेशक आप आइए, आपका स्वागत है। तो बस जी आज चलते हैं मेले का। एक चीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि कब तक मौत का कुआँ लगेगा, जब तक प्रदर्शनी लगेगा तब तक मौत का कुआँ भी लगेगा। ओके मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो, जब तक आपको पता ही क्या करना है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, साइनिंग आउट आवारा राइडर।